बढ़िया टेक्नोलॉजी ट्रिक्स पाने के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं और सभी जगह पे चुनाव की बातें हो रही है, पर इलेक्शन वोटिंग लिस्ट में अपना नाम है कि नहीं, यही ढूंढने से हमारी शुरुआत हो जाती है। कई बार हम दूसरी जगह पे रिलोकेट होते हैं या शिफ्ट हो जाते हैं और हम वोटिंग नहीं कर पाते क्योंकि अपना जो एड्रेस होता है वो पुराने घर का ही होता है। पर ये वोटिंग लिस्ट पे अपना एड्रेस चेंज करना या नया वोटिंग कार्ड रजिस्टर करना काफी हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है। पर आज मैं आपको एक ऐसा एप्लीकेशन सजेस्ट करने वाला हूं जिसमें आप नया वोटिंग कार्ड भी ले सकते हो या आपका एड्रेस आप चेंज भी कर सकते हो या वोटिंग लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं वो भी आप इजीली चेक कर सकते हो। तो नमस्ते दोस्तों, मैं सुबोधानंद मिस्त्री, आपका टेक फ्रेंड। लेट्स डू इट। तो दोस्तों, आपके वोटिंग डिटेल्स चेक करने के लिए आपको एक साइट ओपन करनी है, ceo.maharashtra.gov.in। यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन है फाइनल इलेक्ट्रल रोल 2019, उस पर क्लिक करना है या यहाँ पे सर्च योर नेम इन फाइनल इलेक्ट्रल रोल 2019, ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको चल जाएगा। अब उस पर क्लिक करिए तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको नेम वाइज या आईडी कार्ड वाइज सर्च बताया गया है। अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, आपके पास सिर्फ आपके डिटेल्स है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर डिस्ट्रिक्ट और असेंबली वाइज भी है, मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करता हूँ और जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। स्पेलिंग का ध्यान रखना है, बहुत बार अपने जो वोटिंग कार्ड्स है उस पर स्पेलिंग थोड़ी अलग होती है तो आपका एप्लीकेशन ओपन नहीं होगा। तो देखिए, जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाली है वहाँ उसके हिसाब से मुझे मेरी डिटेल्स यहाँ पे मिल गई है कि मेरा एक्चुअल में मेरा रजिस्ट्रेशन वहाँ पे है। यहाँ पे पोलिंग स्टेशन एड्रेस का भी ऑप्शन है, मेरे फैमिली मेम्बर्स में मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, और एक व्यू पीडीएफ का ऑप्शन है जिस पे क्लिक करने के बाद मुझे मेरी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी और जो पोल पे मैं एड्रेस वोटिंग करने वाला हूँ, जो जिस एड्रेस पे मैं वोटिंग करने वाला हूँ वहाँ पे दूसरे भी कौन कौन वोटर्स है उनकी भी पूरी लिस्ट मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। और देखिए, यहाँ पे गूगल मैप का लोकेशन भी दिखाया गया है कि जहाँ पे मेरा वोटिंग होने वाला है और पूरा एड्रेस यहाँ पे दिया है। अगर वोटिंग कार्ड पे अगर आपको आपका एड्रेस चेंज करना है, आपको लोकेशन चेंज करना है या आपको नया वोटिंग कार्ड रजिस्टर करना है, तो इसी वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करिए। वहाँ पे एक फॉर्म 6 करके ऑप्शन है, उस पर क्लिक करिए। अगर आपको ये लैंग्वेज इंग्लिश करना है तो आप इंग्लिश भी कर सकते हो। तो देखिए, ये जो पूरी डिटेल्स है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पे ये जो एज अ फर्स्ट टाइम वोटर, मतलब अगर आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना है वोटिंग के लिए तो वो ऑप्शन है, और आपने अगर कहीं पे चेंज किया, आपने रिलोकेट किया तो आप यहाँ पे वो रिलोकेटेड एड्रेस वगैरह भी डाल सकते हो। आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे पूछा जाएगा, आपका एड्रेस, आप करंटली कहाँ पे रहते हो, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, उसके बाद आपके प्रूफ, मतलब फॉर एग्जांपल आपका फोटोग्राफ है, आपका एज प्रूफ है, आपका एड्रेस प्रूफ है, वो यहाँ पे पूछा जाएगा। और सब डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद आपको गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन बाद में आ जाएगा कि आपका जो कुछ भी आपने डिटेल्स दिए है उस डिटेल्स पे आप फर्दर कम्युनिकेशन आपको इसी साइड से हो जाएगा। दोस्तों, वोटिंग करना आपका अधिकार है और ऐसे कोई भी रीज़न से आपकी वोटिंग कैंसिल नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इलेक्शन रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो इस वेबसाइट पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और ऐसे बढ़िया वीडियो अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़ी किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में डालिए, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। तो जल्दी मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड एंजॉय टेक्नोलॉजी।